गाइज, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शहरी विकास विभाग में जो है पालिका के अंतर्गत एक भर्ती का जो है सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी, जब से लोक सेवा आयोग ने जो है कैलेंडर जारी किया था, उसकी नोटिफिकेशन आयोग ने जारी कर दी है। RTI के अनुसार जो सूचना ली गई थी 85 पद उसमें है, स्नातक इसकी ऊपर जो है एलिजिबिलिटी है। चलिए, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और पूरा PDF हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जी हाँ, जो है शहरी विकास विभाग में पालिका केंद्रित सेवा के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी एवं नगर पंचायत एवं कर राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परिषद, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एवं टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो है विज्ञापन लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया, जो कि 28 अगस्त से आपको देखने को मिलेगा इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। अब ये जो फॉर्म होंगे, आपने जो विज्ञापन तिथि है 28 अगस्त है, जो फॉर्म स्टार्ट होने की जो लास्ट डेट है, यानी कि जो आप भर सकते हैं, वो 18 सितंबर है। जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी जो लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर है उसमें इसकी एग्जाम की डेट जो है आयोग ने ऑलरेडी दे दी है। उसके अलावा 18 सितंबर तक ही इसमें आप जो है फीस भी जमा कर सकते हैं, यानी कि इस बार आपको जो है फीस सबमिट करनी पड़ेगी। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ही आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि RTI के अनुसार इसमें 85 पद हो सकते हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से इसमें पदों का जो है पूरा विवरण आता है, और स्नातक जो है इसकी उपाधि हो सकती है। देखते हैं कुछ और अधिमान अगर एलिजिबिलिटी आती है तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही यहाँ पर तय होगा। और उसके अलावा सिलेबस को भी लेकर काफ़ी जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है, वो भी आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन को। तो थोड़ा सा और इंतज़ार आप करिए, और बाकी तब तक आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिए, हम जो भी अपडेट होगी आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।